हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद राहुल। आज हम लोग पढ़ेंगे मोडल्स वर्ब, मोडल वर्ब या मोडल्स। मेनी पीपल से मोडल्स, ए लॉट ऑफ पीपल से मॉडल या मॉडल वर्ब। ऑल आर सेम, ऑल आर करेक्ट। ओके, देयर इज नो नीड टू टेक बॉदर। मॉडल वर्ब्स, नाउ द क्वेश्चन कम्स आउट, मॉडल्स वर्ब कितने होते हैं? मॉडल्स वर्ब कितने होते हैं? तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में, इन आर इंग्लिश ग्रामर, दे आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। 24 हेल्पिंग वर्ब्स है, जिनमें से 13 जो है मॉडल्स है। 13 मॉडल्स है। अब 13 कौन कौन सा मॉडल्स है? कैन, could, may, might, should, must, ought to, need to, used to, dare to। Pronunciation of ought to, dare to, can, could, may, might, should, must। तो मॉडल्स वर्ब, हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, इसमें से 13 मॉडल्स वर्ब होते हैं। मॉडल्स वर्ब्स are called, they are called modals because they are used maximum time in a daily life, so they are called modals verb। okay, हमारे daily life में modals verb का प्रयोग maximum time किया जाता है, so they are called modals, so they are called modals, so they are called modal verb। okay, clear। तो modals verb के साथ कौन-कौन सी गलतियां होती है बच्चों से, ठीक है? या टॉपिक जो है, 8th के लिए भी है, 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आज से मैं मॉडल्स वर्ब की सीरीज शुरू करूंगा, आज से, कि मैं एक वीडियो कैन का यूजेस, एक कुड के यूज पर रहेंगे, एक मे के, एक माइट के। मे माइट सुड, मैंने आज से हम मॉडल्स वर्ब की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें आपको टोटल 13 मॉडल्स वर्ब के अलग अलग यूजेस अलग अलग वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है? आज मैं बताऊंगा मॉडल्स वर्ब का इंट्रो क्लास। इंट्रो क्लास में मॉडल्स वर्ब है कहाँ, मॉडल्स वर्ब में की कौन सी सारी गलतियों करते हैं स्टूडेंट्स ज्यादातर, देखते हैं। तो बाबू, कोई भी मॉडल्स वर्ब हो, चाहे वो कैन हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो मी हो या माइट हो, कोई भी मॉडल्स हो, कोई भी मॉडल्स हो, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मी हो, माइट हो, शुड हो, मस्ट हो, ऑट टू, नीड टू, यूज टू, डियर टू, विल, शैल, वुड, कोई भी मॉडल्स वर्ब हो, ठीक है? उसके साथ अगर कोई एक्शन वर्ड आएगा, कोई वर्ब फॉर्म्स अगर आएगा, तो वह वर्ब फॉर्म्स जो है फर्स्ट आएगा, माने बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर मोडल्स, मींस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर मोडल्स। कभी भी मॉडल्स के साथ भी फोर का प्रयोग नहीं करेंगे, जो गलत हो जाएगा। कभी भी मॉडल्स के साथ भी थ्री का प्रयोग नहीं करेंगे, जो गलत हो जाएगा। कभी भी मॉडल्स के साथ भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। कभी मॉडल्स के साथ भी फाइव का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। कभी भी मॉडल्स के साथ, हमेशा मॉडल्स के साथ जो है वी वन का ही प्रयोग होगा। जैसे आते हैं हम लोग यहाँ पे, सी कैन वेंट टू मार्केट। कैन आपका क्या है? मॉडल्स वर्ब है। कैन आपका क्या है? मॉडल्स वर्ब है, मॉडल्स है। तो वेंट, वेंट यहाँ पर वेंट कौन सा वर्ब है? वी टू है। तो मॉडल्स के साथ तो हम भी वन का प्रयोग करते हैं, ये गलत हो गया। यू मे यानी मॉडल्स, ठीक है? इसके साथ आपने लगा दिया है वी फोर, वी फोर, वी फोर, लेकिन मॉडल्स के साथ तो भी वन लगता है ना, इसलिए यह सेंटेंस भी आपका गलत है। सी विल प्लेस, प्लेस, प्लेस में एस लगा हुआ है, यानी यह वाव है आपका फाइव। तो कोई भी मॉडल्स हो, उसी के अंदर भी का पहला रूप लगता है, वर्ब का पहला रूप लगता है, तो ये भी सेंटेंस आपका गलत हो गया। दे कुड डेंस्ड वेल, दे कुड डेंस्ड वेल, देखिए डेंस्ड भी थ्री है,
टेंस्ट आपका भी थ्री है, ठीक है, टेंस्ट आपका भी थ्री है, वुड के साथ, मॉडल्स के साथ, तो भी वन का प्रयोग होता है भी थ्री, जो कि गलत है। यदि आपके एग्जाम में इनकरेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस रहेगा, इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस करना रहेगा, मैंने सेंटेंस को सही करना रहेगा, अगर क्वेश्चन मॉडल्स रिगार्डिंग हो, क्वेश्चन अगर मॉडल से हो, तो आपके जो प्रॉब्लम होंगे इसी टाइप के होंगे, इसी टाइप के होंगे। कहीं मॉडल्स के साथ V1 नहीं लगाकर V2 लगा होगा, कहीं मॉडल्स के साथ V4 लगा होगा, कभी मॉडल्स के साथ V5 लगा होगा, जो कि गलत है। आपको एट एनी कॉस्ट इन ईच एंड एवरी कंडीशन वी शुड यूज V1, यू शुड यूज ओनली V1, ओके। आई कैन स्पीक, आई कैन क्या है, मॉडल्स है, स्पीक क्या है, V1 है, सेंटेंस आपका सही है। मे क्या है, मॉडल्स है, वो क्या है, V1 है, आपका सेंटेंस आपका सही है। कुड क्या है, मॉडल्स है, उसके साथ क्या है, V1 है, सेंटेंस आपका सही है। तो आज मैं मॉडल्स के इंट्रो क्लास पे पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कैन का यूज, उसके बाद वाले वीडियो में लेके आऊंगा मैं कुड का यूज। तो कैन के जितने सारे यूजेस है मैं सभी बताऊंगा, कुड के जितने सारे यूजेस है मैं सभी बताऊंगा। आज से आपकी मॉडल्स की सीरीज शुरू हो रही है बच्चों, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे चैनल से ताजा अपडेट आपको मिलता रहे। देखिए, हमारी क्लास करने के लिए, हमारे YouTube क्लास, फ्री क्लासेस करने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल में एडमिशन लेना होगा, और एडमिशन बिल्कुल फ्री है। एडमिशन के लिए क्या करना है, सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब के बगल में एक बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल से जो भी ताजा अपडेट हो आपको मिलते रहेंगे, और आप जो भी हमारे चैनल पर जो भी वीडियो, नई नई वीडियो अपलोड होगा आपको मिलते रहेंगे, और आप उस वीडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे बैक टू द बिजनेस काम पर आते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स, मॉडल्स में किस प्रकार की गलतियां लोग करते हैं, और मॉडल्स के साथ जो है किस प्रकार की भाव फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो मैं आगे की वीडियो में जब कैन के यूजेस बताऊंगा, तो वर्ब रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर कैन के साथ कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे, सर कुड के साथ कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे, सर मे के साथ कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे, कोई नहीं, हमेशा V1 का प्रयोग होगा, हमेशा V1 का प्रयोग होगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि सी कैन बी टॉट इंग्लिश Could be spoken. अब बताइए यह सेंटेंस सही है कि गलत है, अब बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है, कमेंट बॉक्स में कीजिए, सेंटेंस सही है या गलत है बताइए, कमेंट बॉक्स में आ जाइए। चलिए बच्चों देखिए, बताइए बताइए, ये टॉट आपका V3 है, लेकिन हमको मॉडल्स के साथ तो बी लगा हुआ है, मॉडल्स के साथ हमको देखना है, डॉट तो बी के साथ है, मॉडल्स के साथ देखिए, कुड के साथ भी है, यानी बी क्या है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल के साथ तो आपका V1 ही लगा हुआ है, मॉडल्स के साथ तो आपका V1 ही लगा हुआ है, तो सेंटेंस आपका सही है, सेंटेंस आपका सही है। मॉडल्स के जस्ट आफ्टर जो वर्ब आएंगे वह फर्स्ट फॉर्म आएंगे, जैसे सी कैन बी टॉट, तो कैन आपका मॉडल्स है, तो मॉडल के साथ जो बी है वो V1 है आपका, कुड आपका मॉडल्स है, मॉडल के साथ जो वर्ब है वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो V1 है, तो सेंटेंस आपका सही है। तो मॉडल्स रिगार्डिंग जितनी सारी दिक्कतें होगी, जितनी सारी गलतियां होती है, यह सारी गलतियां को मैं आज डिस्कस किया हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कैन के यूजेस, ठीक है। तो आपके जब भी इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हो और उन्हें करेक्ट करना हो, इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो उन्हें आप इनकरेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें आप इनकरेक्ट नहीं करिए, क्लियर, ऐसा उन्हें इनकरेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि यह सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्योंकि मॉडल के साथ तो V1 लगा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि सर V3 लगा हुआ है, V3 लगा हुआ है और सेंटेंस आपका गलत है, ऐसा नहीं,
यह आपका पैसिव फॉर्म है। तो पैसिव फॉर्म है तो मॉडल के साथ हम जब वर्ब लगाएंगे तो पहला फॉर्म लगाएंगे, चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, मॉडल के साथ, मॉडल्स के साथ, चाहे सेंटेंस आपका एक्टिव हो या पैसिव हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, हमेशा बी वन का ही प्रयोग होगा, हमेशा बी वन का ही प्रयोग होगा। क्लियर? अब हमको मॉडल्स है, हम मॉडल के साथ वर्ब है तो बी वन, मॉडल्स है वर्ब है तो बी वन। पहले तो मैं मॉडल्स की टर्म एंड कंडीशन को पूरा करूंगा। मॉडल्स क्या कहती है कि एक्टिव हो या पैसिव हो तो बी वन का प्रयोग करेंगे। तो मॉडल्स का टर्म एंड कंडीशन पहले पूरा कीजिए, उसके बाद पैसिव क्या कहती है बाद में देखेंगे। मैं अभी मॉडल्स पढ़ा रहा हूं, जब पैसिव पढ़ाऊंगा तो क्या यह सही है या गलत है वो बाद में, अभी मैं मॉडल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर बच्चों? समझ आई बात? समझ आई? आशा करता हूं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बहुत कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। धन्यवाद। ठीक, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए।